हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज के उसमें और यहाँ लड़के पहले से आ चुके हैं। आज एजुकेशन टूर जा रहा है हमारा। ये देखो, ये थापा और तुम पहुंच चुके हो। ये थापा भी पहुंच गया भाई। ये हमारे श्रीनगर के लोकल बंदे हैं खत्री भाई, और ये राजू बास्केट बॉलर भाई, लेब्रॉन जेम्स का छोटा भाई, और ये यहाँ ग्राम रीट का छोटा भाई दीपक, और यहाँ मंगल भाई जम्मू के लिए फुर वहीं से घर जाने की तैयारी में, जम्मू चंडीगढ़ से। और बताओ कैसी चल रही है? सब बढ़िया। और यहाँ देखो, ये अभी हम केवल 8 लोग आ चुके हैं, वो भी टाइम से पहले। ये प्रभात राठी, ये तनुज देखो, ये परेशान हो रहा है फोटो के लिए। ये अमित पाल हो गए, ये लाल जी देखो, लाल जी बहुत खुश हैं आज कि घर के रास्ते जाएंगे। ये देखो, ये रॉबिन बाइक लेके आ गया। सर लोग भी पहुंच चुके हैं और हम यहाँ बैग रख रहे हैं ऊपर। ये देखो अतुल भाई खड़े ऊपर, और अभी बस में बैग लोडिंग हो रही है। अरे गुरदीप सर का बैग, अच्छा तब ठीक है। परविंदर भाई ये UFC से रिटायरमेंट है, कोच है। क्या को गया? अरे कोई आएंगे चल है। ये हमारे एजुकेशनल टूर का बैनर है, और यहाँ पे बैनर लगाया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टूर का, श्रीनगर से पटियाला ग्वालियर जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम। इस पर लिखा भी है, डेट भी लिखा है, 21 मार्च से 23। ब्लॉग बना रहे हो क्या? चलो 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 फटाफट चलो। चलो 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 हेलो गणेश सर, पीछे तक सीट बच चुकी है, बच्चों की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। गाइस प्लीज लाइक, गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लीज घंटा दबा देना लाइक। हाँ सर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सर के साथ कार में, बाकी बच्चे जा चुके हैं बस में। सोनू सर हैं हमारे और ये हैं सर, हम उनके साथ जा रहे हैं गाड़ी में, बस आगे निकल जा चुकी है। दिखाने के लिए अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अब टिकट अरे कहाँ जा रहे हो? टिकट 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 टिकट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल में,
और हमने लगा दी उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी हमने, हमने बोल दिया उनको पराठे के लिए और सबके लिए पराठे बनने। अभी उनकी गाड़ी पहुंची नहीं है, गाड़ी पहुंचने वाली है, हम लोग सर लोग पहले आ गए थे, तो पहले आने से क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पराठे कराठे की व्यवस्था कर दी, अब हम पहले आ गए थे, अब वो लोग पहुँचने वाले हैं, उनकी बस भी पहुँचने वाली है। जैसा लो यहाँ भी नाश्ता पूछ रहे हम कि कितने लोग पराठे खाएंगे, कितने क्या खाएंगे, कितने क्या खाएंगे, रॉबिन पूछ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ आज मौसम भी बारिश का मौसम हो रहा था, तो यहाँ देखो पूरी खाई है नीचे तक ये, और बस आने वाले हैं, ये वो रही वो सामने, बस ये रही, बस आ रही है ये, ये बच्चों की बस। हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे ताकि हम नाश्ते की व्यवस्था कर पाएं, हम लोग और ये बस पहुंच चुकी है हमारे बच्चों की, और यहाँ पे सारे बच्चे पहुंच चुके हैं, बस नाश्ते के लिए हम लोग पहले आ गए थे, हमने नाश्ते की व्यवस्था करी। आज आज ये आज का कंडक्टर है अनुज, ये सारे बच्चे पहुंच गए अब, चलो रज्जी भाई कैसा रहा बस का आपका सफर, मजा आ रहा सुरी, गाड़ी आ रही है देवू क्या है? चलो अंदर बैठो, अंदर अंदर बैठो, तुम्हारे लिए रास्ते की व्यवस्था, तुम सबसे पहले आई क्या क्या हाँ कार में ये देख दिया था इसने सारे ने देखा हुआ ऐसी चलते हैं ऐसी आ जाए इंस्टाग्राम में लाइव भाग माना इंस्टाग्राम में लाइव हो अरे चौहान उसे ले गया अनुज आराम से चलो फटाफट आओ जल्दी आओ अब सब खाए लोग ने तू भी तू तो सबसे आगे बैठी थी चुपचाप तुम शांत हो गए आगे वाले ना पीछे वाले ना तहलका मचा रखा ये याद देखो ये इनको तो गर्म हो रहा है यार देखो जैकेट खोल के आ रहे हैं भाई दीपू ज्यादा गर्म हो गया लग ये देखो ये बारिश में देख रहा लौटा ये ये पीएचडी स्कॉलर अभी आ रहे हैं देखो चलो सारे बंदे आ चुके सारे पहुंच चुके अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए मेरी भी ले वीडियो सर भी है वो बैठो फटाफट बैठो ये पराठे जो पराठे नहीं खा रहे हैं साथ बैठ जाना तुम लोग भी खा रहे हैं अरे ये नहीं खा रहे इधर वाले हम खा रहे हैं तुम लोग अलग बैठ जाओ ना ये पराठे लग रहे हैं अब तीन धारियों पहुंच चुके हैं बैठ ये देखो इस टाइम बना रहे लोग
ये लोटे यहाँ देखो चील फिर पूरा बस हिला रखा है लोटो ने, पीछे वालों ने पूरा बस हिला रखा है। यार हमने आपको मिस किया बड़े। एक ही लोटा है डेडिकेटेड, डायरी में टाइमिंग नोट करते हुए ब्रेकफास्ट का टाइम क्या हुआ अंकित बताइयो? 9:21 ब्रेकफास्ट चल रहा हमारा 9:21 में। डायरी में लिख लेना 9:21 में नाश्ता किया 9:21 में। ये देखो सबसे धोखेबाज आदमी है ये। तो हमने खाना खा दिया, ब्रेकफास्ट हो गया। अब इसके बाद एक बार गेट टुगेदर हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और सर भी आ गए, सारे बच्चे आ गए यहाँ पे और टुगेदर हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चे। अरे ग्रुप में मत डालो, इसी में कर लेंगे। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, एक में S5 जिसमें हमारे पास टोटल 6 सीट है, उसमें 6 जो है इम्पोर्टेंट आदमी है, मनोरम, मनोज, पुनिया, गणेश, मलिक और सूरी। चलो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से। नहीं नहीं इधर चलो, हो गए स्टार्ट इधर गोल थोड़ा। यहाँ पर ये उतर गए हम लोग और सब, अब बस से उतर गए, अब जा रहे हैं हम ट्रेन की टिकट करने, ट्रेन का टिकट हो गया बुक, अब जा रहे हैं हम। ये दीपू, ये ग्राम रीड के छोटे भाई, हो गया बोले। चलो चलो अब चले, अभी हम ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं, अब पहुँच गए हैं और यहाँ से हम ये हमारे पटियाला की ओर प्रस्थान करेंगे। ये PhD स्कॉलर वहाँ से देखो वीडियो बनाते हुए। चाय ले लो, चाय। चलो 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 चलो, अरे यार ये भाई, ये पुर्तगाल आ रहा है भाई खेलने के लिए अभी इंडिया से, हमसे इसी अब हम ट्रेन के आगे लगाएंगे। एजुकेशन टू, मेरे को तो बोला एजुकेशन टू लगा दिए, ट्रेन का पूरा 10 कंपार्टमेंट खरीद गया S2। वाह हमारी सीट है इसमें, हम 6 लौटों की। चलो चलो यार पर हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, फोटो सेशन हो रहा है और हम फोटो खिंचा रहे हैं, हम लोग खींच रहे फोटो और हम भी फोटो खिंचा रहे हैं। हो गया चलो चलो, सुमित भाई भी सभी लाइव चल रहे हैं, वीडियो बनाते हुए लाइव चल रहे हैं सुमित भाई। और यहाँ का वेदर देखो भाई, नेताजी आवाज आप चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल हो रहे हैं यहाँ।
यहाँ का वेदर बहुत ही मजा, आज तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ का वेदर। और गुरदीप सर चले गए, अपना बैग मुझे पकड़ा गया, ये इसमें पता नहीं क्या सामान है, कुछ खाने पीने की चीजें लग रही है। वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, वीडियो अपलोड भी हो गई। बाबा अंदर अंदर सेफ भी रखे, कुछ स्लीपर में कुछ नहीं जाना है। अबे अगला भाई अचंभित हो रहा है कि स्लीपर वाली सीट। अबे S2 है, S2। अबे तो ये लड़की है ना S3 में। ये रहा हमारा बाबा। अबे S3 दो नंबर का प्लेटफॉर्म पर चल जाना। कौन सा है अब ये तो देखो, पहले दो नंबर भाई। तू इधर है, तू इधर है, वो 3 है बे, दिख नहीं रहा क्या? PF 2 इधर, PF 3 इधर है। आधा इधर जाओ। इन्होंने इतनी फोटो खींच दिया, ट्रेन के कलर फेड हो गए तब से आगे, मतलब इतना खींच दिए है। अरे बैठ कर लो, अरे ट्रैवल कर लिया मैंने। थैंक यू। ये देखो ये इन्होंने बाल हाल खोल लिए, आप देखो जय महाकाली होने वाला है, जय महाकाली होने वाली है थोड़ी देर में। ये देखो ट्रेन का कलर फेड हो गया, इतनी फोटो खींच दी है। ये अरुण मौर्य वहाँ पे चश्मा पहन के खड़ा हो गया, और यहाँ पे ये तुरंत जैसी वो हुआ रील्स बनना स्टार्ट हो गया था यहाँ। यहाँ पे ये एजुकेशनल टूर में रील बना रही लड़कियाँ, ये देखो फिर अपनी वीडियो भी देख रहे हैं। लाल जी यहाँ पे अकेले खड़े, पता नहीं किस सोच में। बॉक्सर भी नहीं है ना, 41 बैठे हैं अभी। कहाँ बॉक्सर? इसमें तो नहीं है बॉक्सर। अविनाश बुलाओ ना, अविनाश यहाँ गेट टुगेदर हो रहे हैं। फिर से यहाँ से बाद हम निकलेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, यहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद हम जाएंगे पटियाला। यहाँ सर लोग भी आ गए, सोनू सर भी आ गए, गुरदीप सर भी आ गए। अब बच्चे गेट टुगेदर होके काउंटिंग कर रहे हैं। या देवेश तो यहीं पे है। के बाद फिर चला करते हैं। फोटो सेशन हो रहा है ऋषि के, इसमें फिर से ये देखो सारे बच्चे फोटो खींचने के लिए रेडी हो रहे हैं। आगे से चला फोटो खींचने के लिए तैयार हो गए दोनों लड़के। सब लड़के बैठ गए हैं सीट पे, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हेलो गाइस, हेलो हेलो, ये लौटे सारे रेडी हो गए। एक बंदा आ रहा है, असी जा रहे हैं पंजाब। हम कहां जा रहे हैं? असी पटियाला, पटियाला के बाद जलंधर, लंदन के बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद में चंडीगढ़ सेक्टर 17। पहुंच चुका है, और ये कब से ढूंढ रहा था अमित पाल को, और अमित अभी मिला हमें कुरकुरे यहाँ पे चिप्स खाते हुए। चलो फिर हम चलते हैं। सीन देखो कितना सही था ये बहन। हम लोग जा रहे हैं, ये अनुज देखो फोन चार्ज में लगा रहा है भाई, आराम से बैठा है, सबसे शांत लौंडा ग्रुप का। हो गई स्टार्ट। वीडियो बना रहे हो? नहीं
करना क्या होता है इसमें ये नहीं पता मुझे, बस ऐसे बैठा है भाई सूम सूम और ये भाई ज्यादा ही बंद हो गया क्रॉप करनी पड़ेगी मुझे। ये देखो दो लड़कियां भी पहुंची हमारे यहाँ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, सबसे बड़ी जुआरी है जिन्हें 2 लाख रुपए आ रहे कोमल ये अब पहुंचे लौटे ये देखो ये। अरे तुम सीट छोड़ के आ गए वहाँ, फोन भी मेरा भाई। अरे हाँ तो कुछ नहीं होता है यार, लोग बैठो 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 और ये मेरे दोस्त बैठे हैं नीचे, ये देखो ये सब ये भाई ये गजल सुनने के लिए 3 किलोमीटर दूर वाले डिब्बे से आए, 5 किलोमीटर ये और ये भाई पत्ते खेलने आ रखे हैं, ये देखो ये भाई की कटिंग देखो और भाई तो ये रास्ते में बोल रहा था ये तो है भाई ये तो होगा क्या ना नहीं दो लोग ये डॉन क्लान 38 39 40 41 42 43 44 गेट टुगेदर हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं पटियाला और ये अपना रोल नंबर आज भी भूल गई। ओहो 7 मैंने बोला था, वो लड़का कौन था जो लड़कियों के नंबर पे बोल रहा था? गणेश राणा। कौन लड़कियों के नंबर पे गणेश राणा बोला? सरण गया तुम्हें पटियाला रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हम लोग। फाइनली वी हैव रीच एट द पटियाला एंड द ट्रेन इज डिले 56 मिनट। ओके तो सारे बच्चे आ रहे हैं, सब पहुंच गए पटियाला रेलवे स्टेशन पे, आ रहे सब, सारे लौटे पहुंचने वाले हैं, सारे लौटे पहुंचने वाले हैं, सब पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पे। ये देखो ये किस किस के फोन में देखे हम? अरे सबके फोन में देखो, लाइक उसका करना जिसके उसमें वीडियो सही आ रही होगी। चलो ये भाई ब्लॉगर है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजू 2 महीने का कैंप अच्छा जॉब कहाँ पर? इंडिया प्लेयर का कोचिंग है। हाँ सही तो अभी हम जा रहे हैं, अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ऑटो करेंगे, ऑटो करने के बाद फिर हम जाएंगे NS पटियाला NS। ये देखो ये लड़की जो दिन भर पूरी बस में वॉमिटिंग कर रही है, अभी हंस रही है, देखो ये ये देखिए लड़ना शुरू कर दिया इसने, पंजाब पहुंचते देख रहे हो पंजाब की हवा लगी से, और ये बैग नहीं संभाल पा रही और बातें करने के लिए रुक रही है, देखो देखो और ये दूसरे दूसरे के रोल नंबर पर बोलते हैं, लड़कियों के रोल नंबर पर बोलते हैं और यहाँ पे और ये देखो ये अगर आज से इसने रोल आज से इसने काउंटिंग लेट करी ना, अगर सीधे बोलूंगा मीनू भाने का फंटोल मार, हमेशा लेट करती है, फिर बोल लिया मुझे कि तुमने बोला। देखो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पटियाला रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ये पटियाला पहुंच चुके हम, अब यहाँ से सारे अटैक करने के लिए अंदर जा रही हैं, देखो सारे लौटे पहुंच चुके हैं हम लोग, सब लोग आगे अब हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर, स्टेशन से बाहर जा रहे हैं हम लोग, अंदर भी आते हैं इसी रास्ते। हाँ इसी रास्ते से अंदर भी आते हैं, यहीं से बाहर भी जाते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर स्टेशन से, क्योंकि हम लोग आए थे श्रीनगर से उत्तराखंड से, ठीक है। और यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं सर लोग, यहाँ पे हीरा सर लोग ये ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, उसे कन्विंस करें कि क्या करना है कैसे करना है ऑटो का, और यहाँ पे सारे बच्चे पहुँच चुके हैं। चलो चलो जल्दी आ जाओ फोटो सेशन के लिए जल्दी। हाँ सर ये अभी तो वीडियो बना रहा हूँ सर
यहाँ बहुत सारे लोग भी पहुँच चुके हैं, हमें वहाँ तो नहीं मिले, हरिद्वार से मिले बहुत सारे लोग, खीरा सर बहुत सर हरिद्वार आ गए थे, छोनू सर तो हमारे साथ श्रीनगर से ही थे। तो हम लोग पहुँच गए पटियाला, अब यहाँ से जा रहे हैं हम NIS कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब सारे बच्चे पहुँच चुके, एक फ़ोटो सेशन होगा यहाँ पे, उस फोटो सेशन के बाद फिर हम जाएंगे ऑटो से पटियाला, फिर वहाँ से ऑटो पर दिखाता हूँ आगे क्या क्या होता है। अब हम लोग जा रहे हैं NIS पटियाला कोचिंग के लिए, तो सर लोगों ने बस कर रखी यहाँ पे, अब बस से जाएंगे हम जाएंगे पटियाला बस से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, बस पे बैठने लगे बच्चे अंदर, ठीक है। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी का ही बस है, ये यूनिवर्सिटी का ही बस है, यूनिवर्सिटी का ही बस लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठने लगे, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो हेड कोच है वो भी हमारे साथ, दीपक। हम लोग बस में चढ़ने के लिए, हाँ सब बस में बैठ रहे हैं अभी। राज ने पीछे की पूरी सीट पक्की कर ली है, दो लाइन। मैं कब विदेश जा रहा हूँ, देखने कहीं छोड़ना मत। चलो चलो बैठो, बढ़िया बढ़िया, जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं यार हमारा, हेलो, जो अभी तक ये वीडियो बना रहा था मैं ही हूँ, और चंडीगढ़ के बारे में। ये हमारे धर्म है PhD स्कॉलर, जो कल प्रेजेंटेशन है जिसकी, पेपर पूछ रहा है मेरे से सामान का क्या होगा, मैंने बोला अपना सामान नहीं संभाल यार, मुझे दे दो, ये वीडियो डालने वाला हूँ। चलो, में पांच पांच बैठ के जा रहे हैं, सारे लौटे सेट हो गए देखो, और हम जा रहे हैं बस में, यूनिवर्सिटी का बस में पटियाला, ठीक है। ये भाई कौन है? अच्छा, मैं कहा हमारे क्लास का नहीं था ना भाई, तभी अमित आप कुछ कहना चाहेंगे? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮੋੜੀ ਵੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾ और हम लोग उतर चुके हैं, पहुंच चुके हैं बॉयज हॉस्टल के सामने पटियाला में, और यहाँ सारे बच्चे उतर चुके हैं, सारे बच्चे गर्ल्स के लिए कह रहे कि आगे आगे वाले हॉस्टल में रुका रखे, और क्या कहते हैं बॉयज़ के लिए, यहाँ बॉयज़ का हॉस्टल ये है, तो यहाँ रुका रहे हैं हम लोग बॉयज़ को यहाँ पे। भाई बीर सिंह हॉस्टल में रुक रहे हैं हम। चलो, यही तो पढ़ा है, हाँ रोहतान इसको तो पता है। ना ना सर लोग तो वहीं रुक गए थे, मुझे आप नहीं नहीं मैं उसके लिए बना रहा हूँ अपने लिए। मुझे आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए जो भी है, और मैं आपको रूम ब्लॉक कर देता हूँ, सर के पास ही होंगे। अरे राठी हो सकता है रजिस्ट्रेशन, दो रूम आपको बड़े, और उसकी सिक्योरिटी 18-20 आराम से होगी, बहुत बड़ा रूम है आपके लिए। सर आ रहे हो मेरे ना इतने 18-20 उसमें
अच्छा दे इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह। ओ राठी बात कर, रजिस्ट्रेशन कहाँ है क्या? मैंने अरे तेरे पे भी नहीं ठेकेदार नहीं है ठेकेदार तो भी बात चल रही है रूम की। इसके बाद इसका फिर रूम पे जाएंगे फिर देखेंगे खाने पीने का। अभी तो फिलहाल रूम का कर रहे हैं व्यवस्था। ठीक है अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें मिल चुका है रूम और हम लोग आए यहाँ पे। ये सब पैकिंग कर रहे हैं, रज्जी भाई बैठे हैं यहाँ, अंकित तो बढ़िया सा बिस्तर भी सजा दिया अपना फूल वाला। अरे यहाँ पे ये दीपू भाई मैसेज कर रहे हैं कि हाँ चलो चादर आदर मिल गया। ये था वो भाई भी कपड़े अपने चेंज कर रेडी हो गए अतुल भाई। ये और यहाँ लॉन्डन है और यहाँ यहाँ पर लड़कों ने ये हो गया। थैंक यू सर। कोई भी जरूरत होगी तो हम आपको कॉल कर देंगे सर। और इधर वॉशरूम है। हाँ हाँ सर। और नीचे भी है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो हो गया है सब सेटल, सेटलमेंट हो गया है। अब फटाफट रूम वूम सेट करते हैं और हम लोग आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के बाहर। डिपार्टमेंट के बाहर पर पहुँच चुके हम लोग। देखते हैं सर लोगों ने यहाँ पर गेट टुगेदर के लिए बुला रखा है हमें। यूनिवर्सिटी के बाहर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो आज हमारे मेन फीस हैं जो आज सबको स्पीच देंगे आगे जाके वो हैं ये प्रभात राठी। सबको संबोधित करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पहुँच चुके हम। इसके बाद भी सर लोग ये देखो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ डिपार्टमेंट आ गए थे। डिपार्टमेंट में हीरा सर मिले नहीं हमें तो हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ मेन रोड पे। अब मेन रोड का रास्ता पता है नहीं, देवेश लीड कर रहे हैं लेकिन ये खुद पांच बार रास्ता बोल चुके हैं यहाँ का। और सुमित भाई कुछ कहना चाहेंगे? सुमित भाई आपके टूर में आके कैसा लगा? टूर में आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी फिलहाल तो भूख बहुत लग रही है तो पहले कुछ खाते हैं देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कुछ प्लानिंग कर ली थी लड़कों की, वो प्लानिंग का क्या हुआ मुझे पता नहीं है, वो शायद आपको ज्यादा पता होगा। हाँ वो लोग कह रहे थे कि हाँ गेट टुगेदर के लिए सर ने बुला रखा है। हाँ। वही प्लानिंग थी। ठीक है। और आपको ये कैसा लग रहा है एजुकेशनल टूर, मतलब पिकनिक टाइप का लग रहा है या अलग कुछ? अभी देखते हैं, अभी पहला दिन है, अभी कुछ थोड़ा सा अभी यहाँ थोड़ा लड़के थके भी हैं तो कल सुबह पता लगेगा थोड़ा जब ये अंधेरे से हम बाहर आएंगे रोशनी में तब देखेंगे क्या है। ओके ओके सुंदर। ठीक है ठीक है। और ये इतना अंधेरा सा है रोड, मतलब कि मैं तो मर जाऊंगी वाली फील आ रही है। हाँ मतलब बिल्कुल ही अंधेरे सा रोड है और ये सब डरे डरे सहमे से और तीन लड़के आगे जा रहे हैं। वो कभी उन्होंने कभी ज़िंदगी में पंजाब नहीं आए लेकिन वो हमें लीड कर रहे हैं आज यहाँ। आ रहे हैं अभी गेट से बाहर आ गए हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से। अभी हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं सर। सामने वाले सर आ रहे हैं, थोड़े दो चार बच्चे बचे हैं। हम जब आपको बुलाया जाए तो जल्दी आना सर। हमें रूम लेट मिला। अच्छा अब मिल गया। हाँ तो हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के लिए सर लोगों ने बता दिया और ये लड़के भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। अब भूख लग गई है हमें। हाँ ये है और लड़के यहाँ पर पुल के नीचे पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर खाना आना खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब खाना आना खाते हैं। हीरा सर कह रहे हैं कि खाना खा लो तुम, मैं आता हूँ। तो यहाँ गेड़ियाँ आँच मारेंगे। हाँ यहाँ पर लेफ्ट साइड करके यहाँ पे और सोनू सर लोग जा रखे हैं वहाँ पे। हमें बोल दिया गया अनुज चलो आओ वहाँ चलो या वहाँ पे बता दिया कि चलो चलते हैं यहाँ पे। आ जाओ और यहाँ पर पहुँच चुके हैं बच्चे।
और यहाँ पर वेट कर रहे हैं सारे, पहुँच चुके हैं बच्चे और यहाँ पर वेट कर रहे हैं खाने आने के लिए। पुनिया भाई वापस चल रहे हैं, हाँ क्यों खाना बन रहा है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे साथ ये अविनाश रोहतानी है। ये तो यहीं के प्रोडक्ट है, पर यहाँ मुँह नहीं लगा रहे किसी को। इन लोगों के चेहरे पे 12 बज चुके हैं, ये देखो ये 12 बज चुके हैं इन लोगों के चेहरे पे, कैसे बैठे हैं देखो तो, ये सब कैसे बैठे हैं किसी के दुकान के आगे देखो ये मैं तो कह रहा हूँ आज रात खाना ही ना मिले किसी को और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मान रेस्टोरेंट में, जहाँ पे खाना आना खाने के लिए सारे बच्चे पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया। सारे बच्चे हम डिनर के लिए आ चुके हैं। हमने पहले कहा कि गर्ल्स को सर्व करेंगे फिर उसके बाद बॉयज़ खाएंगे, पर ये बॉयज़ पहले कब बैठ गए। गुरदीप सर भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं खाने के लिए। बहुत खुश, लाल जी भी खुश, ये हम जा रहे हैं मान गर्ल्स पी जी विद फूड रूम। भाई तो अब हम लोग खाना मिल चुका है डिनर के लिए, रोटियां मिल चुकी है ये। आप खा रहे हो? तो लेके आओ जाओ, पर सीट में रिजर्व रख रहा हूँ। हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने कैमरा देखते हैं, मुस्कुराने लग गए भैया। मेरे में भी डाल देना, एक और डाल दो।